हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने खेत। तो ये सुबह की वीडियो है और सुबह से ही आज मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं। तो आज ये इन्होंने बोला कि आज मैं अपने व्यूअर्स को अपना खेत दिखाऊंगा। तो जी, ये शाम की वीडियो है और ये अब हम घास काट रहे हैं। थोड़े लेट हो गए थे आज, क्योंकि आज थोड़े गेस्ट आए हुए थे घर पे, तो पहले घर का निपटा के और फिर हम यहाँ पर आए थे। तो मनु लग गई थी मेरे साथ कि दीदी मैं फटाफट से करवा देती हूँ, लेकिन काना है वो पीछे पीछे घूमता रहता है, छोटा है अभी, तो वो ज़्यादा यहाँ का करने नहीं देता। तो इसलिए वो मेरे साथ जो घास वगैरह उसने कटवा दिया था और एक भैंस की मिल्किंग करा दी थी, तो इतना जो है इतना भी बहुत हो जाता है हमारे लिए। तो बाकी वो शाम का तो संभाल जी, लेती है फटाफट घर से घास जाकर। काट कर फिर हम लगेंगे मिल्किंग में। और आज बादल छाए हुए हैं तो अंधेरा जो है वो जल्दी हो गया है। मैंने बाहर की भी लाइट ऑन की हुई है। तो वैसे तो हमारा जो है सारा दूध वो गली में ही लगा हुआ है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। जैसे हम कई बार, एक बार हम शादी में चले गए और वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम जो है करीबन 7 साढ़े 7 बजे जो है शाम को घर पहुंचे। तो आकर हमने मिल्किंग की और 8:30 बजे तक हमने दूध बरताया, तो उसमें भी कोई परेशानी वाली हमें बात नहीं हुई, क्योंकि गली वालों गली में ही दूध लगा है और वो भी समझते हैं कि कहीं चले गए होंगे। तो इसी वजह से बेचारे कोई हमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और हमने आकर बोल दिया कि हम कहीं गए हुए थे। तो ऐसे मुझे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अब हमारा डायरी में तो दूध जाता नहीं है और सारा दूध जो है हमारा प्रचून में लगा हुआ है। अभी मेरी दो ताजी भैंसें जो हैं वो ब्याई हैं और एक भैंस हमने छोड़ी हुई है, क्योंकि उसको अब 9वां महीना लग गया है, तो फिर उसका ड्राई पीरियड चल रहा है और बाकी पशु जो है मेरे सारे दूध दे रहे हैं। तो इसीलिए जैसे कटिया और ये कटड़ा है, तो मैं इनको 2 थन दूध के पिला देती हूँ, क्योंकि चलो भगवान की दया से दूध अभी मेरे पास खुला है। और इनको मैं इसीलिए पेट भर के दूध पिला देती हूँ जब तक ये घास खाने नहीं लगते, क्योंकि 1-1.5 महीना तो जो है ये दूध पर ही रहेंगे, और उसके बाद जो है जैसे ये घास से अपना पेट भरने लगेंगे तो मैं इनका दूध तो जो है थोड़ा कम कर दूंगी। और अभी तो इनको जो है पेट भर के दूध हमें पिलाना पड़ता है, और ऐसा रहता है ना कि बच्चा जो है भूखा ना रहे, तो सबसे पहला हक तो दूध के ऊपर बच्चे का ही है। और ये जो ब्लैक वाली है ये कटिया है, और जो भूरे रंग का है वो कटड़ा है। जो कटिया है ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है, ये तो बांध ना ये हमें खोलने देती है और ना बांधने देती है, उससे पहले ये बहुत मस्तियाँ मारने लग जाती है। और दूध वगैरह पिलाकर तो फिर हम इनको जो है बाहर बाड़े में खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही इनका खेलना भी ज़रूरी है। और जितनी ये कुदियाँ वगैरह लगाते हैं तो उतनी ही इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और इन्हें थोड़ी देर खुला भी छोड़ते हैं हम इसीलिए। तो जी, दूध इनको हमने पिला दिया है और अब हम लगेंगे मिल्किंग पर। और मनु जो है दूध निकालने लग गई है, और जैसे ताजी भैंस भी आई है, तो इसका जो दूध था मतलब दूध है वो धार इसकी नरम भी है, तो इस पे वो इजीली निकाल लेती है। तो जी, हम दोनों बहनें कर रही हैं मिल्किंग और इसके जीजू बना रहे हैं हमारी वीडियो, क्योंकि एक बंदा वीडियो बनाने के लिए भी चाहिए और अब ये बना रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने जो बाहर वाली भैंसे हैं और एक भैंस अंदर रह जाती है उसकी मिल्किंग कर ली थी। आज मौसम जो है बहुत ख़राब हो गया है और यहाँ पर हमारे इन्वर्टर वगैरह की अभी कोई सुविधा नहीं है। घर पे तो है लेकिन यहाँ पे अभी नहीं लगवाया है, तो इसीलिए लाइट जाने का भी डर रहता है। तो फटाफट से पहले हमने मिल्किंग की और उसके बाद फिर इनको पानी वगैरह पिलाकर क्लीनिंग मैंने यहाँ की शाम को ही आकर कर दी थी। और उसके बाद फिर हम जो है पानी वगैरह पिला देंगे इनको, और फिर जैसे सूंह वगैरह है वो रखकर जिन जिन भैंसों के या गायों के पास हमने रखनी है उनके पास रखकर फिर हमारा यहाँ का काम निपट जाता है और फिर जाते हैं हम घर। तो जी, आज भी हमने मिल्किंग की वीडियो ही बनाई है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले मिल्किंग की वीडियो ही डाली थी। तो कई व्यूअर्स जो हैं हमारे वो मिल्किंग की वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं और उनके कमेंट्स आते हैं कि आप मिल्किंग की वीडियो बनाओ, तो इसीलिए आज हमने मिल्किंग की वीडियो बनाई है। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कैसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे, तो हम उसी हिसाब से अपनी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है रियल लाइफ विद मनु एंड ज्योति। तो मैं आपको अपनी रियल लाइफ ही दिखाऊंगी, और हमारा प्रोफेशन है ये, हमारा काम है, तो ज़्यादातर हमारा टाइम यहीं पर बीतता है। तो इसीलिए मैं यहाँ की वीडियोस जो है ज़्यादा बनाती हूँ और घर की वीडियोस भी बनाती हूँ। तो आगे अगर आप देखना पसंद करेंगे तो मैं घर की वीडियोस भी बनाऊंगी, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर राय दीजिएगा कि मैं कैसी वीडियोस बनाऊँ।
और जैसे कई व्यूअर्स हैं हमारे, वो जो गांव का माहौल है उन्हें बहुत पसंद है, और पर्सनली मुझे तो, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है गांव का माहौल, और मुझे तो अपना गांव बहुत पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो जड़ें हैं वो गांव से ही जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए जो है हमें अट्रैक्ट करता है ये माहौल। तो जी, जैसे जिन लोगों का ये प्रोफेशन है उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और जैसे हमारा भी ये प्रोफेशन है, तो हम कहीं रिश्तेदारी में भी जाएं या कहीं घूमने गए हुए हों, तो कहीं भी भैंसे या गायें हमें दिख जाएं, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है ध्यान वहाँ पर चला जाता है। और कई बार तो जैसे गांव वगैरह से हम किसी गुजर रहे हों और कहीं किसी का काम हो ऐसा, या मिल्किंग कर रहा हो कोई, या घास डाल रहा हो, तो ऑटोमेटिकली जो है ध्यान वहाँ पर चला जाता है, और हम तो जो है थोड़ी देर रुक के खड़े होकर देख भी लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब, और मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, हमारा सबका, तो इसीलिए हमने ये, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये काम स्टार्ट किया था। तो जी, अट्रैक्ट तो करता है, और मुझे तो पर्सनली, मुझे भी बहुत हो चुकी है, और मौसम थोड़ा खराब है, इसीलिए जो है हमने सुबह के लिए भी घास जो है काट कर रख दिया है, और मनु अब जा रही है घर, तो इसीलिए घास काट रहे हैं, और ये देखिए मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, तो सुबह अगर बारिश वगैरह हो गई तो हम इसलिए पहले ही घास जो है काट कर अंदर रख लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।